दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जॉन वेलेंट की बुक द टाइगर्स। कहानी के पिछले एपिसोड प्लेलिस्ट में है, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जो टाइगर हंटिंग टीम थी उसमें से कुछ लोग पैदल चल रहे थे और कुछ लोग चल रहे थे ट्रक, जिसका कि नाम था कुंग। इन लोगों को लग रहा था कि ये टाइगर के नजदीक पहुंचने वाले हैं, यानी कि शिकंजा कस रहा था। इनके पास जो बंदूक की गोलियां थी वो गोलियां वैसे तो पर्याप्त थी इंसानों से लड़ने के लिए, लेकिन अगर मुकाबला टाइगर से हो तो शायद वो गोलियां पर्याप्त नहीं थी। अब जो टीम पैदल चल रही थी वो अभी फर्स्ट क्रीक के पास ही पहुंची थी, और जो ट्रक था जिसका कि नाम था कुंग वो पहुंच गया था वेटली क्रीक के पास। और तभी टाइगर की झलक दूर से नजर आई, वो जा रहा था दक्षिण दिशा की तरफ। अब जो ट्रक कुंग था और टाइगर था उसके बीच में था शिकारी ऑक्सीमेंको, जिसके कैबिन के गद्दे में टाइगर बैठ गया था। उसके पास उतनी पावरफुल बंदूक थी नहीं, और ऑक्सीमेंको की प्रेजेंस के बारे में यूरी ट्रश को मालूम भी नहीं था। अब जब ट्रक कुंग चल रहा था तो उसके पहिए आवाज कर रहे थे, क्योंकि वो पहिए चल रहे थे घुटने तक गहरी बर्फ में। वुड स्टोव भी जल रहा था और कुंग की चिमनी से धुआं निकल रहा था। अब यूरी ट्रस बैठे थे पैसेंजर सीट पे ड्राइवर कैबिन में, और वो एक एक टाइगर ट्रैक यानी कि टाइगर के पगमार्क को स्कैन कर रहे थे। एक जगह टाइगर के पगमार्क दिखे, यूरी ट्रस भी उतर के आए, पीछे जो मेंबर बैठे थे वो भी उतर के आए, लेकिन देखा तो ये दूसरे टाइगर के पैरों के निशान थे। इस टाइम तक टाइगर हंटिंग यूनिट के मेंबर्स उस टाइगर के पगमार्क वैसे ही पहचानने लगे थे जिसकी कि ये खोज में थे, जितना ये अपने हाथों के प्रिंट पहचानते थे। ये लोग वापस ट्रक में सवार हुए, आगे चल पड़े। जब जब कोई टाइगर के ट्रैक दिखते थे ये नीचे उतरते थे, और इन्हें मालूम चलता था कि ये टाइगर दूसरा है, उसके निशान पुराने हैं। अभी ये 1.5 मील आगे आ चुके थे, कभी रुकते थे कभी चलते थे। अब भाग्य को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि ऑक्सीमेंको जो शिकारी था वो भी पैदल था, टाइगर भी पैदल था। लेकिन उसी बीच ट्रक कुंग जोर जोर से आवाज करने लगा। उसके इंजन की आवाज से ऑक्सीमेंको का भी ध्यान चला गया, और शायद टाइगर का भी। अगर ट्रक ने आवाज ना की होती तो शायद ऑक्सीमेंको और टाइगर का मिलन हो जाता। अब जब यूरी ट्रस पैरों के निशान चेक कर रहा था, उसे दिख गए निशान ऑक्सीमेंको के, और ये निशान फ्रेश थे, यानी यूरी ट्रस को समझ में आ गया कि कोई इंसान इस जंगल में घूम रहा है, अभी अभी गया है। और यूरी ट्रस को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। उसने कहा, हमने सभी गांव में सूचना दे दी थी कि कोई भी जंगल में ना जाए, हमारे हाथ में ऑलरेडी 2 लाशें हैं जो टाइगर ने मार गिराई हैं, और ऐसे में हमें तीसरी लाश नहीं चाहिए, और ये इंसान जो घूम रहा है लाश बनने की तैयारी में ही है। अब यूरी ट्रस्ट को फैसला करना था कि वो अपनी टाइगर की हंट को जारी रखे या इस मूर्ख इंसान को ढूंढे जो मरने जा रहा है टाइगर के हाथों। यूरी ट्रस्ट को लग रहा था कि इन अवैध शिकारियों का मैं क्या करूं, ये सुनते ही नहीं है, टाइगर के हाथों मरने के लिए चले जाते हैं। तो उसने अपने ड्राइवर को कहा, गाड़ी आगे बढ़ाओ क्योंकि टाइगर नजदीक में ही है, अगर टाइगर को ही मार दिया तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। थोड़ा आगे बढ़े तो फ्रेश पग मार्क मिल गए टाइगर के इनके बाएं हाथ की तरफ। अब क्योंकि यूरी ट्रस कई बार कुंग से नीचे उतर चुका था, वापस चढ़ चुका था, उसके हाथ में राइफल थी, वो थक चुका था, इस बार यूरी ट्रस बिना राइफल के नीचे उतरा और उसके साथ ही आ गए पीछे से। अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़े, और पग मार्क से साफ मालूम चल चुका था कि ये टाइगर उनका वाला टाइगर ही है। इन लोगों को लग रहा था कि टाइगर थोड़ा दूर जा चुका है, आसपास में नहीं है, लेकिन इनका एक साथी नीचे झुका, पग मार्क को छुआ, मिट्टी झड़ी, और वो गाली दे के बोला, ये निशान तो गर्म है। अब जो इनका डॉग था वो भी घबरा गया था, घबरा के भौंक रहा था, यहां वहां दौड़ रहा था। तो बाकी सारे लोग दौड़े अपनी अपनी राइफल उठाने के लिए कुंग से,
क्योंकि हर बार वो राइफल लेके उतरते थे, टाइगर नहीं मिलता था। इस बार राइफल नहीं लाए तो टाइगर पास में ही था। टाइगर के जाने के निशान दिख रहे थे दक्षिण पश्चिम की तरफ। यूरिटस ने अपनी राइफल अपने कंधे पे लटका ली थी और अपना चाकू भी खोल लिया था। बाकी के लोग भी अलर्ट होके राइफल वैसे ही कैरी कर रहे थे जैसे कि मिलिट्री मार्च पर जा रहे हो। और कुंग का जो ड्राइवर था उसने अपने आप को कैबिन में बंद कर लिया था। जब भी टीम नीचे उतर के जाती थी वो यही करता था। अब सारे लोग अलर्ट होके चल रहे थे, सिंगल फाइल में चल रहे थे, यानी कि एक के पीछे एक। उन्हें आदत हो चुकी थी इस तरीके से चलने की। कुत्ता जिसका कि नाम था गिट्टा बहुत जोर से भौंक रहा था, बहुत ज्यादा परेशान था। धूप इतनी खिली हुई थी कि आराम से बर्फ में दिखाई दे रहा था, और अगर परछाइयां दिख रही थी तो केवल उन लोगों की जो यहां पे चल रहे थे। कुत्ता बहुत ज्यादा परेशान था, यहां वहां भाग रहा था, बार बार दौड़ के यूरी ट्रस्ट के पास आ जाता था, लेकिन अभी तक उसने कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिया था कि टाइगर कहाँ है। वो जो इलाका था इतना क्लियर था कि वहां पर कोई खरगोश भी छिप नहीं सकता था। तभी इनका एक साथी बोला कि हम लोग थोड़ा सा बिखर के चलते हैं। ये बोलना ही था कि वो इलाका जो साफ सुथरा दिख रहा था वहां पर एक तरीके से धमाका हुआ, और वो धमाका टाइगर के आने से नहीं हुआ था, टाइगर की दहाड़ आने से हुआ था। ऐसा लगा था जैसे कोई जेट एरोप्लेन आ गया हो। अब जो टाइगर की दहाड़ होती है अच्छे अच्छों को हिला देती है, और जिन्होंने भी टाइगर की दहाड़ नजदीक से सुनी हो, गुस्से वाली दहाड़, वो बोलते हैं कुछ समझ में नहीं आता कि कोई क्या करे। इन लोगों को भी ऐसा ही लगा था जैसे भूकंप आ गया हो। एक बार रशिया का ही एक शिकारी था, उसने बताया था कि जब टाइगर नजदीक से दहाड़ा था तो उसे ऐसा लगा था कहीं कोई डैम फट गया, उसमें से अचानक पानी निकल पड़ा। और जो टाइगर की दहाड़ है उसे अगर सही शब्दों में समझाया जाए तो बोला जाता है फियर ऑफ गॉड, यानी कि भगवान का भय। इन लोगों का कहना था इन्होंने टाइगर की दहाड़ पहले भी सुनी है जंगल में, लेकिन ऐसी दहाड़ कभी नहीं सुनी। अब आगे जो घटना हुई वो 3 सेकंड में ही हो गई। 3 सेकंड पहले कहीं कोई टाइगर नहीं था, अचानक से टाइगर प्रकट हुआ और वो छलांग लगा चुका था। ऐसा लग रहा था टाइगर हवा में उड़ रहा है। अब जो टाइगर ने छलांग लगाई थी उसका निशाना था यूरी ट्रस्ट। वो हवा में उछल के बढ़ रहा था ट्रस्ट की तरफ, शायद उसका निशाना ट्रस्ट का सीना था। और अगर टाइगर की निगाह से देखा जाए तो अब यूरी ट्रस्ट मर चुका था। यूरी ट्रस्ट को मौका मिल गया था अपनी राइफल को तानने का और निशाना लगाने का। हवा में ही टाइगर ने अपनी दिशा बदली, अगले ही पल टाइगर गायब हो गया था। अब फिर से एक खुला इलाका था, कुछ बंदूकधारी लोग थे, टाइगर वहां पर नहीं था। टाइगर उनको देख रहा था, और टाइगर तभी दिखता था जब टाइगर दिखना चाहता था। टाइगर ओपन में था और सबको लग रहा था कि जिस तरह से मार्कोव मरा, पोचे पन्ना मरा, वैसे ही यूरी ट्रस्ट मरने वाला था, क्योंकि यूरी ट्रस्ट की बंदूक में जो गोली थी वो अकेले टाइगर को मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। और यूरी ट्रस्ट मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था। अब क्योंकि ये लोग बिखरे हुए थे तो यूरी ट्रस्ट के नजदीक 2 आदमी थे, उन्होंने भी पोजीशन ले ली थी कि अगर टाइगर दोबारा छलांग मारेगा ट्रस्ट के ऊपर तो वो तब गोली नहीं मार सकते हैं जब वो ट्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उनकी गोली ट्रस्ट को मार सकती है। तो अगर उन्हें टाइगर पर निशाना लेना है तो तभी लेना पड़ेगा जब वो हवा में है। अब इनके दोनों साथियों ने भी बंदूक उसी अंदाज में अपने कंधे पे लगाई थी जैसे लगाई थी यूरी ट्रस्ट ने, और शायद जैसे लगाई होगी मार्कोव ने या पोचे पन्ना ने। टाइगर फिर प्रकट हुआ, उसने छलांग मारी, वो छलांग मार के यूरी ट्रस्ट के ऊपर गिरा, उसके कंधे पर चोट मारी। उसकी छलांग के दौरान ही इनके साथियों ने 11 गोलियां दागी टाइगर के ऊपर, यूरी ट्रस्ट ने भी 2 गोलियां दागी। अब टाइगर के कूदने से यूरी ट्रस्ट की बंदूक साइड में गिर गई। यूरी ट्रस्ट नीचे था, टाइगर ऊपर था। यूरी ट्रस्ट ने अपनी बाहें टाइगर के ऊपर फैला दी
उससे कुश्ती लड़ने के अंदाज में और अपना चेहरा टाइगर के फर में छुपा लिया। बाकी के साथियों के पास मौका था पॉइंट ब्लैंक यानी काफी नजदीक से टाइगर को गोली मारने का। अब जो कुंग का ड्राइवर था उसे लग रहा था कि वो कोई फिल्म देख रहा है स्लो मोशन में, और इनके साथियों ने आवाज दी, यूरिका क्या तुम जिंदा हो? यूरिटस जिंदा था। अपने साथी की मदद से वो खड़ा हुआ। उसकी आंखें भौचक्की थी और वहीं पास में पड़ा हुआ था टाइगर। यूरिटस के साथी ने एक फाइनल गोली चलाई टाइगर के ऊपर। हालांकि टाइगर पहले ही मर चुका था और यूरिटस अपनी उन चोटों को देख रहा था जो उसे दी थी टाइगर ने। लेकिन यूरिटस की बहादुरी थी कि उसने कहा, मैं इस घटना की पहले फिल्म बनाऊंगा। तो अपने साथियों से कहा, तुम लोग जहां खड़े थे वहीं खड़े रहो, पहले मैं अपना कैमरा ले आऊं ट्रक से। और यूरिटस कैमरा लेके आया, टाइगर के छिपने की जगह की फिल्म बनाई, अपने साथियों की फिल्म बनाई और उसके बाद बनाई फिल्म टाइगर की। अब यूरिटस ने अपने साथियों से बोला कि पता नहीं टाइगर ने मुझे गर्दन से क्यों नहीं पकड़ा। और जब टाइगर को देखा तो इन्हें समझ में आ गया, क्योंकि जब टाइगर ने छलांग लगाई थी तो यूरिटस की राइफल उसके मुंह में घुस गई थी। आधी राइफल मुंह में घुसी हुई थी, राइफल की बैरल भी टूट चुकी थी। और यही वजह थी कि टाइगर के कूदने का झटका यूरिटस के कंधे पे आया था। यूरिटस ने अपने बाकी साथियों को रेडियो पर खबर देने की कोशिश की कि अब काम खत्म हो चुका है, लेकिन वो लोग रेडियो की रेंज से बाहर थे। इन्होंने फिल्म बनाई और इनके साथियों ने टाइम नोट किया 12:35। टाइगर बहुत बड़े साइज का था और उसका सर इतना बड़ा था कि इनके एक साथी ने बोला, जितना बड़ा वॉश बेसिन होता है। यूरिटस ने चटनिन को सूचना दी कि टाइगर मर चुका है। चटनिन ने कहा, टाइगर को लेके गांव आ जाओ, मैं चाहता हूं कि गांव के लोग देख लें कि टाइगर मर चुका है, अब उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब यूरिटस को देखा गया, उसके कपड़ों से खून टपक रहा था यानी उसके घाव बहुत गहरे थे, लेकिन इन लोगों के पास टाके लगाने वाली सुई नहीं थी, यानी कि ट्रस को जाना था सुबोलनी ऐसी ही हालत में। तो दोस्तों, इस तरीके से हुआ खात्मा साइबेरियन टाइगर का, जिसने लिया था बदला सोच समझ के। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी खत्म हुई। इसके बाद की सारी कहानियां मेरे नए चैनल पे आएंगी, जिसका कि हैंडल है @विवेक अवस्थी स्टोरी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये चैनल रहेगा वाइल्ड लाइफ ब्लॉग्स और वाइल्ड लाइफ की जानकारी के लिए। वाइल्ड लाइफ स्टोरीज आगे से इस चैनल पे नहीं आएंगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए नया चैनल, जिसका कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, वाइल्ड लाइफ के वीडियो में, स्टोरी के वीडियो मिलेंगे नए चैनल पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।